हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो जैसा कि मैं बोली थी कि इस नवंबर पूरे महीने मेरे सादे की वीडियो छोटे छोटे क्लिप में मैं डालूंगी, तो उसकी शुरुआत आज से की हूँ। तो आज मैं अपने छेका का वीडियो लाई हूँ। छेका और इंगेजमेंट हमारा साथ में हुआ था, तो इंगेजमेंट का वीडियो मैं अगले वीडियो में डालूंगी, और इसमें सिर्फ छेका का वीडियो है। तो बिहारी में छेका किस प्रकार होता है आप उस तरीके से भी देख सकते हैं, बहुत ही इंजॉयमेंट मिलेगा आपको। और मैंने इस वीडियो का वॉइस म्यूट कर दी हूँ, क्योंकि हमें YouTube की तरफ से एक रूल फॉलो करना पड़ता है जिसमें हम म्यूजिक नहीं डाल सकते, गाना नहीं डाल सकते। इसीलिए मैं म्यूजिक को ऑफ कर दी हूँ और वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये जो मेरा साड़ी है, ये मैं अपने इंगेजमेंट मतलब छेका के लिए ख़रीदी थी, और ये साड़ी बहुत ही सुंदर लगती है मुझे, बहुत ही प्यारा है। ये लहंगा साड़ी है, और ये सारे जो मैं पहनी हूँ ज्वेलरी सारे मैं ख़रीदी हूँ छेका के टाइम। और मेरा छेका हुआ था 5 जून को, तो उस समय बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और मेरा मेकअप कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। और ये मैं दूसरे शहर में आके छेका हुआ है मेरा, तो यहाँ का पार्लर वाली को मैं जानती नहीं थी। ऐसे ही मैं अपने रिश्तेदार वाले को बोल दी थी पार्लर वाला कर दीजिएगा, तो उन्होंने ही किया था, तो मुझे उतने तरीके से पता नहीं था कैसी है पार्लर वाली। तो उन्होंने मेकअप मेरा कैसा किया है आप ज़रूर बताइएगा। तो हमारा छेका हो रहा है, छेका में हमारे जेठ जी बैठे हुए हैं। जेठ छेका करते हैं हमेशा, लड़की का भाई और लड़के का भाई ही करते हैं। तो लड़की के तरफ लड़के का भाई करते हैं और लड़के के तरफ लड़की का भाई करते हैं। तो यहाँ पर पंडित जी छेका का रस्में कर रहे हैं, और छेका में मुझे जो कपड़े चढ़ेंगे वही कपड़े मैं पहन के फिर मेरी इंगेजमेंट होगी। और ये देखिए, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और ये पूरे मंथ मैं शादी के वीडियो ही डालूंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मुझे ये लहंगा बहुत ही अच्छा लगा था। लास्ट में मैं आपको अपना पूरी ज्वेलरी लास्ट में उसका इमेज आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो गर्मी का मौसम था, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, पसीने भी बहुत आ रहे थे, लिपस्टिक फैल रही थी, और यहाँ कूलर वूलर कुछ भी नहीं था, पंखा भी था, और बहुत लोग आए हुए थे। और इस साल मेरा तीसरा साल है शादी का, तो सोची इस साल मैं नवंबर में शादी के सालगिरह पे आप लोगों को मैं अपनी शादी की वीडियो दिखाऊं। तो ये अगल बगल में जो बैठे हुए हैं, उस साइड जो बैठी हुई है गोल्डन कलर का कपड़ा पहनी है वो मेरी जेठ की बेटी है, और इस साइड जो बैठी हुई है वो मेरी बहन है। तो हमारे साइड लड़की को लड़के की तरफ से फ्रूट मिलते हैं, बहुत सारे फ्रूट की टोकरी और मिठाई की टोकरी मिलती है, कपड़े मिलते हैं, ज्वेलरी मिलती है, ये सब मिलते हैं। और लड़के को मिलते हैं वही कपड़े उपड़े, उनको भी सेम फ्रूट टोकरी, और लड़की वाले लोग बर्तन देते हैं एक चौका बर्तन, वो लड़के को मिलता है बाद में, लड़की की होती है। तो ये उनके छेका में हुआ है, उनके छेका में हमारे पापा ने दिया है सब कुछ, और ये मेरा छेका हो रहा है। तो मेरे छेके में इनके घर वाले से मिला है, जो ये यहाँ पर जो भी आपको दिख रहे थे कपड़े उपड़े सब इन्होंने ही मुझे चढ़ाए हैं। तो लास्ट में आप ज़रूर देखिएगा कितने भारी कपड़े थे, मुझसे उठ नहीं रहे थे। तो हम दोनों का छेका एक ही दिन हुआ है, इनका भी और हमारा भी, फिर उसके बाद इंगेजमेंट हुआ है। पहले इनका छेका हुआ, फिर ये चले गए, फिर मैं गई कपड़े वपड़े चेंज करके आई, फिर हमारा इंगेजमेंट हुआ था। तो इंगेजमेंट का वीडियो मैं बोली ना आपको अगले में डाल दूँगी। तो यहाँ पर देखिए इतने सारे परिवार वाले लोग आए हुए हैं, हमारे साइड से बहुत कम लोग हैं, क्योंकि हम लोग छत्तीसगढ़ में रहते हैं, और यहाँ हमारा पटना में हुआ था इंगेजमेंट, तो बहुत लोगों को लाना मुश्किल हो गया था। तो हमारे नानी घर से बहुत लोग आए हुए हैं, क्योंकि मेरा नानी घर यही है और मेरी मौसी का घर तो बगल में ही है, तो मेरा नानी घर ही है ये, मतलब समझिए आप। तो ये देखिए हमारी फैमिली है, और उधर मेरे चाचा वाचा बैठे हुए, चाचा फूफा ये सब हैं। तो कुछ लोग हमारे क्लोज के फैमिली लोग आए थे,
और ये हमारा एंगेजमेंट हो रहा है, ये घर इन्हीं का है और यहीं हमारी शादी भी हुई थी, तो यही मेरा मायका है, समझिए यहीं से मैं विदा भी हुई हूँ। तो मैं एक दिन पहले आई थी सगाई के लिए, सॉरी उसी दिन आ गई थी मैं, सुबह हमारा 7 बजे ट्रेन पहुंचा था और हमारी सगाई हुई थी 3 बजे के करीबन, और हम रात को ही ट्रेन पकड़ के घर भी चले गए थे, एक दिन भी नहीं रुके थे हम लोग यहाँ। तो मैं जल्दी ही अपने मैरिज की स्टोरी भी लाऊंगी, आप लोग बहुत रिक्वेस्ट करते हो कि मैरिज स्टोरी बताओ। और ये देखिए मेरे कपड़े हैं जो लहंगे चढ़ाए हैं इन्होंने, और एक सूट भी चढ़ाए हैं ये, तो मैं सूट का फ़ोटो ना आपको लास्ट में दे दूँगी कौन सा सूट चढ़ाए थे। और ये जो कपड़े चढ़े थे ना ये मुझसे उठ नहीं रहे थे, और एक मांटी का चढ़ाए हैं ये और रिंग, तो ये देखिए मुझे हंसी इस बात पे आ रही थी कि ना मेरे से उठ नहीं रहे थे, और वो मेरी मौसी की बहू हैं, वो उन्होंने मुझे पकड़ा था, सारे फ़ोटो में ना वही पकड़े हुए आए हैं, मैं अपने से उठा नहीं पाई थी, बहुत ही ज़्यादा भारी था, और नीचे का जो थाल था वो कासा का थाल था तो उससे और भी ज़्यादा भारी हो गया था, तो लहंगे भी भारी थे और वो थाल भी भारी था, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा कि मुझसे इतना नहीं उठाया गया, लेकिन सच्ची में नहीं उठ रहा था, बहुत ही भारी हो गई थी। तो अब मेरी इंगेजमेंट मतलब सगाई सॉरी छेका कंप्लीट हो गया, और यहाँ पर मुझे सच्ची में बहुत हंसी आ रही थी। तो यहाँ पर थोड़े बहुत फ़ोटो क्लिक हो रहे थे, और ये मांटिका मैं शादी के टाइम पहनूंगी, और रिंग तो अभी इसके पाप मतलब ये पहनाएंगे मुझे, और ये मेरी सासू माँ हैं जो दिख रही हैं आपको, ये सासू माँ है मेरी, बहुत ही अच्छी हैं वो, और सब मुझ पे चावल छीट रहे हैं। कंप्लीट हो गया मेरे छेका, और ये सजावट बहुत ही अच्छा था, पर लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो अब पंडार करेंगे, तो ये मेरी मम्मी हैं जो पंडार कर रही हैं, फिर इसके बाद मैं कपड़े चेंज करके आऊँगी जो मुझे कपड़े दिए हैं। तो बस यही था मेरा छेका का वीडियो, आगे के वीडियो में मैं एंगेजमेंट वीडियो लाऊंगी। तो आई होप आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी हो, और ये कुछ पिक थे जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो तब तक के लिए बाय बाय, और ये देखिए मेरे लहंगे का पूरा लुक बहुत ही अच्छा लग रहा है। और चलिए मैं आपको अपने ज्वेलरी दिखाती हूँ, तो ये मेरी चूड़ी है, इस साइड वाली चूड़ी है जो मैं अपने एंगेजमेंट पे पहनी थी, और ये मेरा गले का है जो मैं ख़रीदी थी, और ये मैं बाजूबंद ख़रीदी थी, और ये है मेरी मेहंदी जो मैं अपने एंगेजमेंट पे लगाई थी। तो ये है वो सूट जो मुझे लहंगे के साथ मिला था, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत ही अच्छा कलर था।